नमस्कार खबर बार न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम गलियारों से मैं आपका स्वागत है मैं हूँ बालकृष्ण मिले और आइए सबसे पहले बात करते हैं क्या दिल्ली में फिर कहीं आपके आंधी तो नहीं दिल्ली विधानसभा का चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुका है और एक बार फिर दिल्ली देश भर में चर्चाओं का बाजार गर्म कर रही है दिल्ली के गलियारों से आ रही सुर्खियाँ कह रही है कि दिल्ली में एक बार फिर आपकी आंधी दिखाई दे रही है जिसकी चर्चा देश भर के गलियारों में जमकर की जा रही है कहा जा रहा है इस बार का चुनाव भी एक तरफा है और भावी नतीजे में आपको ही भारी करार दिया जा रहा है ओपिनियन पोल तो यहां तक का दावा ठोक रहे हैं कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की देश की विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस कहीं चुनाव रेस में ही नजर नहीं आ रही है सभी का माथा ये सुन ठनक सरा है देश के दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं काम किया हो तो वोट दो वरना मत दो और उधर ओपिनियन पोल एक बार फिर दिल्ली का ताज केजरीवाल के नाम पहले से कर गए अब जैसे-जैसे देश के दिल्ली के दिल्ली चुनाव से पहले गॉसिप हो रही है देश भर में दिल्ली के मुखिया केजरीवाल की चर्चा जोर मार रही है कहा जा रहा है पांच सालों में दिल्ली पूरी तरह से बदल चुकी है जिसका असर होने वाले विधानसभा चुनाव में स्पष्ट दिखाई देने को है अब जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ एबीपी न्यूज और सी वोटर ने अपने अपने ओपिनियन पोल जग जाहिर कर दिए जैसे ही ओपिनियन पोल जाहिर हुए देश भर के गलियारों में बैठे चर्चावीर एक बार फिर सूबे के मुखिया अरविंद केजरीवाल की चर्चा करने पर आमादा हो गई कहा जा रहा है इस बार भी दिल्ली आम आदमी पार्टी की होगी उम्मीद तो यहां तक जताई गई कि आपकी 2015 की प्रचंड जीत का एक बार फिर अपना ही इतिहास दोहराएगी 1 जनवरी 2020 से 6 जनवरी 2020 तक किए गए सर्वे ने आंकड़े सार्वजनिक करके रख दिए चुनाव आयोग जहां चुनावों की घोषणा 70 सीटों वाली दिल्ली के लिए कर चुका है यहाँ की विधानसभा के लिए चुनाव 8 फरवरी को होंगे और मतगणना 11 फरवरी को इसकी अधिसूचना 14 जनवरी को जारी की जाएगी अब जैसे ही चुनावी कार्यक्रम घोषित हुआ पूरे देश की नजरें दिल्ली पर जाटेगी कहा जा रहा है एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक सत्तर विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में आप पार्टी पिछली बार की ही तरह एक जीत हासिल कर सकती है अकेली आपके नाम सत्तर में से उनसाठ सीटें हो सकती है कहा जा रहा है केंद्र की सत्ताधारी भाजपा इस चुनाव में तीन सीट पर कब्जा जमाने में सफलता पा गई और इस बार दहाई का आंकड़े के अंदर ही सिमट जाने का अनुमान है दिल्ली से आज सर्वे के आंकड़े बता रहे हैं कि विपक्षी दल कांग्रेस इस बार तीन सीटों पर जीत हासिल कर सकती है कांग्रेस पिछले चुनाव में अपना खाता ही नहीं खोल पाई थी अब जब से ये सर्वे के आंकड़े आए देश भर के गलियारों में इन आंकड़ों पर चिंतन मनन और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया कहा जा रहा है भाई दिल्ली बदल गई और दिल्ली के मतदाताओं की मानसिकता भी इसलिए न भाजपा न कांग्रेस दिल्ली वासियों के दिल में जगह बना पा रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का नाम आते ही सबके समझ आ जाता है अब कुछ खास और जमीनी होने को है कुछ ऐसा ही हुआ जब मायल्या की नगरी में संघ ने अखिल भारतीय स्तर की बैठक की और इसमें संघ सुप्रीमो मोहन भागवत और भैयाजी जोशी समेत अन्य पदाधिकारी मंथन कर गए अब धीरे धीरे इस मंथन से निकले मक्खन की चर्चाएं शुरू हो गई है संघ के गलियारों से आ रही खबरें बता रही है कि देश भर के अलग अलग सूबों से आए सभी पदाधिकारियों से वन टू वन हो चुका है जिसका असर अब आने वाले समय में दिखाई देगा जिसकी चर्चा अब हर गलियारे होना शुरू हो गई है आरएसएस यानी संघ की बात निराली है और काम तो बेहद ही निराला घ सुप्रीमो मोहन भागवत को सुन ऐसा लगता है किसी मराठी प्रवचनकार का हिंदी में प्रवचन सुन रहे हैं उनके बोलने का अंदाज ही कुछ ऐसा है वो बड़ी बड़ी काम की बातें ऐसे बोल जाते हैं जिसके मायने सुनने वालों को बरसों बरस तक याद ही नहीं रहते बल्कि लोग उनके कहे को अपनी दिनचर्या का हिस्सा भी बना लेते हैं अब जब से माँ अहिल्या की नगरी में संघ सुप्रीमो मोहन भागवत ने संघ के आला पदाधिकारियों के साथ पांच दिवसीय मंथन कार्यक्रम किया ऊपरी ऊपरी तौर पर ही सही लेकिन कुछ बातें चर्चाओं के माध्यम से जग जाहिर हो रही है कहा जा रहा है इस बार भी संघ ने हर सुबह के लिए अलग अलग रणनीति तय कर ली और इसी के साथ साल भर के कार्यक्रमों का कैलेंडर भी अपनों को थमा दिया कहा जा रहा है संघ ने अब हर प्रांत के लिए अलग अलग रणनीति तय की बैठकों के माध्यम से अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई संघ सुप्रीमो खुद लंबी तैयारी के साथ आए और यह तय कर गए कि संघ का इसके बदले परिवेश में क्या रुख रहेगा बैठक में केंद्र की सत्ताधारी भाजपा की ओर से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष शामिल हुए तो यह बात भी स्पष्ट हो गई कि अब संतोष ही सेतु का काम करते दिखाई देंगे कहा यह भी जा रहा है कि बैठक वन वन टू में में संघ ने कुछ अलग ही बातें कही जिसका असर आने वाले समय दिखाई देगा संघ इस बैठक में राम मंदिर सीए और धारा तीन जैसे बड़े कदमों पर सरकार के फैसलों की भूरी भूरी प्रशंसा कर गया साथ ही आने वाले समय के लिए सुझाव तालिका पकड़ा गया जिसकी चर्चा अब संघ के भीतरी गलियारों में जमकर हो रही है संघ के गलियारों से खबरें आ रही है कहा जा रहा है संघ सीए को अब पूरी कार्य योजना अपने हाथ में रखना चाहता है इसे राष्ट्रवाद से जुड़ा मानकर देश के बड़े तबके को एकजुट करना चाहता है यही वजह है कि भाजपा और केंद्र सरकार सीएए पर जागरूकता को लेकर जो काम कर रहे हैं वो चलते रहेंगे लेकिन संघ भी अपने स्तर पर स्वयं सेवकों के जरिए लोगों तक बात पहुंचाएगा अब इस बात की चर्चा जमकर हो रही है भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और सूबे के मुखिया कमलनाथ अब दू पर दू आ चुके हैं ये बात पहले से चर्चाओं में और अब यह कहा जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय समेत सांसद शंकर ललवानी विधायक यानी बाबा और विधायक रमेश मिंदोला यानी दादा सहित अन्य भाजपा नेताओं पर दर्ज मुकदमों में गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है ये सुन समर्थक बेचौन हो चले जिसकी चर्चा जमकर की जा रही है सूबे के मुखिया कमलनाथ कुछ भी कर सकते हैं राजधानी के गलियारों से आ रही खबरें बता रही है कि सूबे के नाथ अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं इसी बीच अब जैसे ही ये खबर सुर्खी बनी कि कभी भी कहीं भी जिन जिन के खिलाफ इंदौरी गलियारों में मुकदमे दर्ज हुए उनकी गिरफ्तारी संभव है तभी से क्या इंदौरी क्या सुबह दोनों गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म चर्चावीर कह रहे हैं यह बात तो अब पूरी तरह से जगजाहिर हो चुकी है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश बिजवर्गी और सूबे के मुखिया कमलनाथ दू पर दू आ गए लेकिन इस बात का भरोसा अभी भी नहीं हो रहा कि गिरफ्तारी जैसी भी कोई बात हो सकती है लेकिन जिस अंदाज में सुर्खियां बढ़ रही उसके बाद इस बात को बल मिला और चर्चाओं का बाजार कर अब जैसे ही खाकी के गलियारों से खबर चलकर छप चुकी है कि कैलाश विजयवर्गीय समेत सांसद शंकर लालवानी विधायक महेंद्र हाडिया यानी बाबा और विधायक रमेश मेन्दोला यानी दादा सहित अन्य भाजपा नेताओं पर दर्ज हुए मुकदमों में गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है यह सुनकर ही समर्थक बेचैन हो चले जिसकी चर्चा हर गलियारे हो रही है कहा जा रहा है इंदौरी खाकी को इस मामले में भी राजधानी से कार्रवाई के लिए फ्री हैंड मिल चुका है इंदौरी गलियारे सन्न है ज्यादा बातें नहीं हो रही लेकिन हर जगह इस बात की चर्चा जरूर है कि यदि ऐसा हुआ तो फिर विपक्ष का अगला कदम क्या होगा बार बार बड़े विजयवर्गीय सरकार और सरकार के अफसरों को ललकार रहे हैं और यदि ऐसे में अफसरों ने आगे कदम लिए तो पीछे को जगह कहां से लाएंगे कहा यह भी जा रहा है कि खाकी अपने कदम खाली दिनों में आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श करने में जुट गई प्रशासनिक गलियारे पहले ही कह चुके हैं जांच पूरी होते ही किसी भी दिन एक्शन लिया जा सकता है हालांकि इस बीच पहले नोटिस जारी किए जाने की बातें भी कही जा रही है अब जैसे जैसे गिरफ्तारी का माहौल बन रहा है वैसे वैसे भाजपा गलियारों में बैठे कर्णधार ये नहीं समझ पा रहे कि आगे की रणनीति क्या बनाए जिससे राजनीतिक लाभ लिया जा सके जिसकी चर्चा पार्टी कार्यालय के गलियारों में जमकर हो रही है और अंत में बात करते क्या लक्ष्मी की मौत के बाद मोती का बढ़ गया है गुस्सा इंदौर के चिड़ियाघर में मोती का गुस्सा लक्ष्मी की मौत के बाद बड़ा सा दिखाई दे रहा है मोती ने अब तक एक दीवार को ढहाने की कोशिश करने के साथ ही पिंजरे को तहस नस्ट कर दिया है पूरा की पूरा जू प्रबंधन हैरान है और मोती की तीमारदारी में जुट सा गया है इधर जैसे ही मोती का यह व्यवहार शहर के गलियारों में जगजाहिर हुआ है चर्चा का विषय बन गया है कहा जा रहा है यह दौर अवसाद और अस्थिरता का है क्या इसी का असर मोती पर भी हो रहा है इंदौर जू में होने वाली हर घटना पर इंदौरी गलियारों में चर्चाएं होती है यह मामला बेहद पुराना है और खास बात तो यह पहले से इंदौर जू को लेकर अपना एक लगाव देखा गया ज्यादातर इंदोरियंस हर सप्ताह जू जाते हैं और अपनी अपनी पसंद के वन्य जीवों को घंटों तक निहारने के साथ उनके पिंजरे के बाहर खड़े होकर अपना समय बिताते हैं अब जब से यह खबर आई कि चिड़ियाघर के मोती का गुस्सा लक्ष्मी की मौत के बाद बढ़ सा गया मोती ने अब तक एक दीवार को ढहाने की कोशिश करने के साथ पिंजरे को तहस तहेस कर दिया चर्चा का बाजार गर्म है पूरा का पूरा जू प्रबंधन हैरान है और मोती की तीमारदारी जुट गया इंदौर जू से आ रही खबरें बता रही है कि मोती ने ही हतनी लक्ष्मी को अपने गुस्से से शिकार बनाया अब जब से लक्ष्मी नहीं रही तब से मोती का गुस्सा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया मोती गुस्से में सारी हदें पार कर रहा है यही वजह है कि वो लक्ष्मी को पिंजरे में ही पच्चीस फीट दूर तक घसीटता हुआ ले गया था और इसी के चलते लक्ष्मी की दोनों किडनी डैमेज हो चुकी थी अब जैसे जैसे मोती के गुस्से की खबरें बाजार में आ रही है वैसे वैसे मोती को 40 सालों से इंदौर में जू में देखने वाले मोती की इस हालत पर चिंता जता रहे हैं जू प्रबंधन कह रहा है मोती अब अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा और यह सब उसकी बढ़ती उम्र के चलते है मोती की इन हरकतों की वजह से उसके मानसिक संतुलन खराब होने की बात कही जा रही है मोती इससे पहले भी लक्ष्मी के पीठ में एक बार दांत गड़ा चुका है अब जैसे ही एक बार फिर मोती ने अपना गुस्सेल अंदाज दिखाया जू के गलियारों में हर कोई मोती की चर्चा कर रहा है कह रहा है अब मोती अपने मूल स्वभाव में आ जाए तो ठीक वरना वो इंदौर जू के लिए किसी भी वक्त एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है